नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहण की, सूर्य ग्रहण, जो कि 2 जुलाई 2019 को लगने वाला है। कुल मिलाकर के इस साल यानी 2019 में 5 ग्रहण लगे हैं। 2 सूर्य ग्रहण ऑलरेडी हो चुके हैं और ये तीसरा सूर्य ग्रहण है। और इसके बाद 17 जुलाई को यानी 17 जुलाई 2019 को चंद्र ग्रहण लगेगा और उसके बाद जो अगला ग्रहण लगेगा वो सूर्य ग्रहण लगेगा 26 दिसंबर 2019 को। तो कुल मिलाकर के इस साल 5 ग्रहण लगने हैं। इसके साथ साथ जो सूर्य ग्रहण इस बार लग रहा है 2 जुलाई को, तो अगर हम समय की चर्चा करें तो समय जो होगा वो होगा रात को 11:31 से सुबह के 2:15 तक का। तो तकरीबन 4:33 तक का ये सूर्य ग्रहण चलेगा। मगर जो जानने वाली बात है वो ये है कि ये जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है ये भारत में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस समय रात को 11:15 के आसपास रात हो रही होगी। रात को 11:31 से और 2:15 तक का सुबह का समय है। तो तकरीबन 4:33 का ये ग्रहण रहेगा। जानने वाली बात यह है कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में नहीं नजर आएगा, क्योंकि रात के समय ये ग्रहण लगेगा। और इसके साथ साथ कौन कौन से देशों में ये नजर आएगा ये जान लेते हैं। तो अगर हम और देशों की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में नजर आएगा, साथ साथ ब्राजील में नजर आ सकता है और इसके साथ साथ चाइल और अर्जेंटीना में भी ये नजर आने की पूरी पूरी संभावना है। भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, इसीलिए सूतक काल जो है वो भी नहीं लगेंगे। मगर कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है आप लोगों के लिए। अब वो विशेष बातें क्या है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको, चाहे देश में भारत में नज़र नहीं आ रहा है हमारे, मगर फिर भी इन चीज़ों की सावधानी बरतनी होगी कि रात के समय ना तो कोई चीज़ काटनी है, ना उस समय आपको सोना है और ना ही कोई चीज़ खानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम लोगों पे इतना असर नहीं पड़ेगा मगर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बच्चों पे ज़रूर इसका प्रभाव पड़ने दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ जो आम लोग हैं उनको भी इस समय के दौरान, जब ये सूर्य ग्रहण लग रहा होगा, तो इस समय के दौरान कुछ खाने पीना भोजन करना वर्जित है और साथ साथ सोना वर्जित है। पाठ आप करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। आप कौन सा पाठ करेंगे ये जान लेते हैं। आप पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं और साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ 12 राशियों पर भी प्रभाव डालेगा ये सूर्य ग्रहण, क्योंकि कुल मिलाकर के 14 से 15 दिन बाद ही चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि पूर्ण रूप से भारत में नज़र भी आएगा। उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, मगर जान लेते हैं क्या क्या उपाय आपको करने हैं सूर्य ग्रहण के बाद। तो सबसे पहले जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा, रात को समाप्त होगा, 2:15 पे ये समाप्त होगा सुबह के समय, उसके बाद आपको स्नान करना बहुत ही ज़रूरी है। स्नान कर लीजिएगा और स्नान के पानी में आप गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लीजिएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ जब आप सुबह उठें तो अपने वजन का अनाज दान कर दीजिएगा। सत अनाज जो होता है, 7 तरह के जो अनाज होते हैं, अब वो वजन के हिसाब से कैसे दान करेंगे? आप कहेंगे भाई मैं तो 50 किलो की हूँ या 63 किलो का हूँ तो मैं कैसे दान करूँ? तो आपको उस चीज़ के लिए भी बता देते हैं। यदि आपका वजन 50 किलो का है तो आप 5 किलो अनाज दान करें। यदि आपका वजन 80 किलो का है तो 8 किलो का आपको अनाज दान करना है। तो इसके अनुसार आप अपने वजन के हिसाब से, वजन के अनुसार सत अनाज का दान कर दें सुबह के समय। मंदिर को भी आपको ढक करके रखना होगा इस दौरान। रात को वैसे भी भारत में मंदिरों में
भगवान को हम विश्राम करने के लिए भेज देते हैं, मगर फिर भी आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं ध्यान नहीं रखते हैं कि मंदिर खुला है या बंद है, तो इस समय आपका मंदिर भी बंद होना चाहिए, नहीं तो मूर्ति भी खंडित होने का दोष रहता है, जो कि आगे चल के वास्तु दोष भी उत्पन्न करती है। तो इन सारी चीज़ों का आपको दान करना है, और इसी तरह से आपको ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए, इंस्ट्रक्शंस आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।